भाई ये वीडियो असल में हमें रोकनी पड़ी थी क्योंकि हम ट्रैफिक जाम में मैं फंस गया हूँ। ठीक है, अभी तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। तो ये आज हाल है, आज कोई रैली वगैरह है, मारीपुर वाले रास्ते से लियारी एक्सप्रेस वे से जा रहा हूँ, लेकिन ये है कि बस अब ये अफरा तफरी यहाँ फैल चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे शहर का हाल है, समझ से बाहर है। मतलब कोई रैली हो, कोई एहतजाज हो, कोई धरना हो, समझ में ये नहीं आता कि जिन लोगों के लिए धरना हो रहा है, जिन लोगों के लिए एहतजाज हो रहा है, उसमें जो इतने सारे लोग बेचारे फंसे हुए हैं, उनका क्या कसूर है, ये समझना बस मैं चाहता हूँ कोई मुझे समझा दे। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस सारे धरने का, इन सारी रैलियों का, एक आम आदमी को जिस ट्रैफिक में सब फंसा हुआ है, उसकी ज़ात पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या वैल्यू ऐड हो रही है उसकी परेशानी में। तो वैसे ही इतने मुश्किल हैं, हालात वैसे ही ख़राब हैं, हर बंदा परेशान है, तो ये तो बस उसकी परेशानी में इजाफा करने वाली बात है ना मेरे भाई। ये समझना और सोचना चाहिए। मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आगे कुछ पता नहीं है। कोई कह रहा है बंद है, कोई कह रहा है एहतजाज हो रहा है, कोई कह रहा है जी नाका लगा हुआ है, अजीब सूरत हाल है। हालांकि यहाँ से मुझे लियारी एक्सप्रेस वे लेना है जो कि सिर्फ 2 या 3 मिनट की ड्राइव पर है, और उसके बाद जाहिर सी बात है हर बंदा अपनी मंजिल को, अपने घर को जाएगा। शाम का टाइम है, तकरीबन 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है अभी, और 14 मार्च आज तारीख है। तो बस जिए भुट्टो है, जिए पाकिस्तान है, और जिए इमरान खान है। जो मर रही है वो सिर्फ आवाम मर रही है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर चीज़ महंगी है, हर दूसरा बंदा इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है, और ये जो है ना बस वजूहात हैं बहुत सारी, जिनमें से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो बस समझने की बात है, अब समझ में नहीं आ रहा। और बेबसी का आलम ये है कि ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब देखना बस यही है, हर बंदा यही सोचता है कि यार मैं सुबह घर से निकलूँगा, काम करूँगा, शाम में घर जाऊँगा, बीवी बच्चों के साथ, घर वालों के साथ वक्त गुजारूँगा, जैसी तैसी ज़िंदगी है गुजर रही है, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जानते बूझते जब इस तरह की चीज़ें होती हैं कुछ लोगों की मंशा की वजह से, वही वाली बात है ना कि पूरे कराची शहर का कोई इतनी बड़ी आबादी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, चंद लोग इस सारे एहतजाज में, धरने में शामिल होंगे। ठीक है, नफसा नफसी का आलम होता है, अफरा तफरी लग जाती है। बहुत सारे इलाकों में पता नहीं क्या हालात होंगे, मुझे पता भी नहीं है। तो जब मैं निकल रहा था ऑफिस से, तो मैंने देखा कि यार यही एक रूट है जो समझ में आ रहा है, तो मैंने बोला चलो यार यहीं से चलते हैं। सब कुछ अच्छा खासा आ गया था, बस आखिर में आके जो है ना, बस वो कहते हैं ना कि बस वो जब पूरा हाथ ही निकल जाता है, दुम रह जाती है, दुम रह गई है बस, और हम सबको इन्होंने दुम बना दिया है। पता नहीं कितने लोग परेशान होंगे, कितनी एम्बुलेंसें फंसी भी होंगी, मरीज़ होंगे, किसी को कहीं पहुंचना होगा, किसी ने कहीं जाना होगा, कुछ वादे होंगे, कुछ सपने होंगे, सब बर्बाद। तो भाई अब कहें भी तो क्या कहें, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सबको इस मुसीबत से बचाए, किसी को ना फंसाए। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूँ
जब भी मैं ऐसी सिचुएशन में आता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही सोचें, मैं ये सोचता हूँ कि जब मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम को एक कुएं से निकाल दिया, तो हमें भी वो इन तमाम मुश्किलात से निकाल देगा। बस यही सोचता हूँ, और यही सोच जो है ना मुझे तसल्ली देती है, क्योंकि इसके अलावा ना और कोई तसल्ली है नहीं मेरे पास, और ना मुझे चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को उतनी ही तकलीफ़ देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सके। और शायद ये तकलीफ़ें हमें इसलिए भी दे रही हैं, शायद हमारी आजमाइश है, हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, तो शायद इसी में हमारे को धुल जाएंगे, पता नहीं। बहरहाल ट्रैफिक में फंस गया था, दिल में कुछ बातें थी, मैंने सोचा चलो किससे करूं, अकेला था, मैंने बोला चलो आप लोगों से कर लेता हूं, दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। ऐसी और भी बहुत सारी बातें होंगी, कराची में जो लोग रहते हैं, मेरा ख्याल है 90% लोग आज उस रश में फंसे होंगे, सिवाय उन लोगों के जिनका घर अपने ऑफिस से करीब होगा या जिनकी मंजिल करीब होगी जहाँ पे वो होंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो लोग फंसे हैं उनके लिए भाई दुआ करें, कोई भी फंस सकता है, कल को आप भी फंस सकते हैं, हम भी फंस सकते हैं, हम तो फंसे हुए ही हैं, बस दुआ करनी चाहिए सबके लिए कि अल्लाह ताला सबके लिए जो है खैर व आफियत का मामला रखे। बहरहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते रहते हैं चैनल के ऊपर, आज थोड़ा डिप्रेसिंग मोड चल रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, हालांकि मैं एक्साइटेड था, बहुत सारे टॉपिक मेरे जहन में रखे हुए थे, काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है आज, तो मैंने सोचा हुआ था कि बहुत कोई एक्साइटिंग कोई चीज़ आपसे शेयर करूँगा, कुछ नई चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा अपने शहर के बारे में, लेकिन मज़ा नहीं आया आज, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। लेकिन खैर चलें, आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है, पहली दफ़ा देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी अच्छे मोड में, किसी अच्छे टॉपिक के साथ और किसी अच्छी डिस्कशन के साथ। ठीक है जी, यहाँ बस मैं अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी इस ट्रैफिक में मुझे कितना टाइम लगने वाला है, और इलाका भी थोड़ा सही नहीं है, तो आपको तो पता ही है शहर के हालात क्या हैं, तो बस आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए कराची वाले को अपनी दुआओं के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों की जो है प्यार की बहुत ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि बस जो कराची का असल चेहरा है वो आप लोगों के सामने लेके आता रहूँ इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि अच्छाई जो है ना वो देखने वाले की निगाह में होती है। अब मैं ये भी समझता हूँ कि इस ट्रैफिक में जो मैं फंसा हुआ हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, इसमें भी कोई ना कोई मसलियत है हम सब के लिए जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, बस दुआ यही कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, खैर आफियत का मामला रखे, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात होती है, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।